एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है, मतलब लगभग क्लास 12 में ही ये सिखा दिया जाता है कि यहाँ एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है चार डायोड को लगा के, और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे एक एसी कनेक्शन दे देना है और यहाँ से आउटपुट ले लेना है डीसी जो भी है। लेकिन इसमें एक बात आ जाता है कि मतलब आप जो डायोड लगाएंगे वो अलग अलग तरीके के डायोड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका लोड क्या है। मतलब अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो उसके लिए आपको मतलब ज़्यादा एम्पीयर वाले जो है जो डायोड लगाने पड़ेंगे। आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए वैसे डायोड, तो सभी डायोड जो होते हैं ना उसमें नंबर होता है। मतलब एक ब्रिज रेक्टिफायर आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये बस टिका काम चलाओ है, मतलब टिकाओ ने काम चला, मैंने खुद बनाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये नंबर्स है, तो आपको जैसा आपको जितना एम्पीयर चाहिए उसके हिसाब से आप नेट पे डायोड सर्च कर सकते हैं कौन सा डायोड किस नंबर का डायोड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये नंबर ठीक से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो सभी डायोड्स में अलग अलग नंबर होते हैं, उसी मतलब उसके हिसाब से उसका अलग अलग जो होता है मतलब एम्पीयर और वोल्टेज जो होता है मतलब सबका अलग अलग होता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये कुछ डायोड्स हैं, ये सभी डायोड्स जो है मतलब ये सभी डायोड्स जो है 6 एम्पीयर का है, मतलब सारा डायोड 6 एम्पीयर का है। लेकिन ये वोल्टेज जो है सो ये इसको कम वोल्टेज चाहिए, मतलब अगर इसको ज़्यादा वोल्टेज पे ड्राइव करवाएंगे तो ये जल जाएगा। इसको कम वोल्टेज के लिए लगभग मतलब पता ठीक से याद नहीं है मतलब, लेकिन ये ज़्यादा एम्पीयर का, ये 6 एम्पीयर का इसी शायद। और अगर मान लीजिए कि ज़्यादा वोल्टेज का डायोड चाहिए तो वो अलग अलग डायोड होगा, अलग अलग नंबर उस पर नंबर लिखा होता है, दिख नहीं रहा है शायद, ठीक से आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो उस पर नंबर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले दिखाया वो इस रेक्टिफायर में यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको मतलब सेलेक्ट करना है डायोड, तो आपको जैसा मतलब जिस तरीके का डायोड मतलब जिस आपको जैसे 6 एम्पीयर चाहिए और कम वोल्टेज चाहिए तो ये डायोड आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए अलग डायोड, तो आप नेट पर सर्च कर लीजिए कि मतलब आपको मतलब आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको डायोड चाहिए वो आपको नेट से मिल जाएंगे। मतलब नेट पर आप सर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे और उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर किसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप से आप खरीद सकते हैं। और इस तरीके से इसको मतलब अलाइन करके आप एक रेक्टिफायर बना सकते हैं और यहाँ से जो मतलब आप डीसी आउटपुट ले सकते हैं। ये आसान तरीका है, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। और ये लगभग मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं आप उसमें ये मतलब यूज़ किया था। ये आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। धन्यवाद। एक और बात, डायोड में जिस तरफ ये बैंड बना हुआ है वाइट कलर का, ये निगेटिव है, और जिस तरफ कुछ भी नहीं है वो पॉजिटिव है। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मतलब कनेक्शंस करना। डायोड खरीदने के बाद डायोड टेस्ट करने के लिए कि मतलब डायोड ठीक है ख़राब है, आप मल्टीमीटर को ये डायोड टेस्टिंग मोड पे ले आएंगे, उसके बाद ये वन लिखेगा। और उसके बाद आपको डायोड सिंपल लेना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग आएगा, अगर रीडिंग नहीं आता है तो मतलब कि आपका ये डायोड ख़राब है, और अगर आ गया तो मतलब आपका डायोड सही है। और अगर आप इसको रिवर्स करेंगे, मतलब जैसे अभी मैंने नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाया तो यहाँ रीडिंग आ रहा है, अगर इसको रिवर्स करेंगे फिर भी रीडिंग आ रहा है तो फिर भी मतलब डायोड ख़राब है। मतलब रीडिंग सिर्फ एक तरफ आना चाहिए, पॉजिटिव से को पॉजिटिव में लगाने के बाद और नेगेटिव को नेगेटिव में। इसके अलावा अब अगर आप कैसे भी जोड़ते हैं डायोड को, अगर रीडिंग देता है तो इसका मतलब आपका ये मतलब डायोड ख़राब है। धन्यवाद।